वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी मकई के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो इस बारिश के मौसम में बहुत ही टेस्टी, लजीज और करारे बन के तैयार होते हैं। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई है, तो आप इस चटनी की वीडियो को और पकौड़ों की वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कौन के ये दाने भी दिख रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस बारिश के मौसम में झटपट से, चटापट से। फ्रेंड, मकई पकौड़ा बनाने के लिए देखें, मैंने ये भुट्टे ले लिए, मकई ले ली है, इसको अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर लिया है, और इसके जो बाल आते हैं ये भी निकाल लिए मैंने, कुछ रह गए तो चलेंगे, इसकी कोई बात नहीं, ये भी हेल्थी रहते हैं। तो ये मैंने मकई ले ली, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए ये जो लाल लाल दिख रहे हैं, थोड़े पिंक गुलाबी, ये देसी मकई है, और ये जो बिल्कुल पीले पीले दिख रहे हैं येलो कलर के, ये अमेरिकन मकई है। तो हमें अमेरिकन नहीं लेना क्योंकि ये मीठे होते हैं थोड़े, हमें देसी लेना है। देखिए इस तरीके के ये देसी मकई लेना है हमको, और इसके हमको पकौड़े बनाना। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम इस तरीके से एक ग्रेटर ले लेंगे और इस तरीके से हम क्रश कर लेंगे सारे मकई के दानों को। देखिए ऐसे निकाल लेंगे, तो ये हमें ऊपर ऊपर के इसके दाने ही लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये निकल जाएंगे, और ये इतने बारीक हो जाएंगे तो हमको पीसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम सारे मकई के दाने, मैंने तीन भुट्टे का कीस कर लिया है। देखिए इस तरीके से इसको मैंने क्रश कर लिया है, और ये तीन भुट्टे मैंने लिए थे उसका ये इतना निकला है। ये देखिए कोई कोई बाल भी गया है तो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है। मैंने 4 से 5 बड़ी हरी मिर्ची ली थी तीखी वाली, और क्या नाम से कि उसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया था, उसको मैंने पीस लिया है। पाउडर मसाले में नमक लिया है हमने टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच से कम। हल्दी पाउडर लिया है, 4 से 5 पिंच मैंने हींग ली है, सॉरी इसमें हींग ली है, और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने चिली फ्लेक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच जीरा लिया है, और आधा ही चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर लिया। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, और साथ में हम इसमें डालेंगे ये बेसन। बेसन मैंने करीब 5 टेबल स्पून लिया है। अब देखेंगे हमें कितना लगता है, अगर और थोड़ा लगेगा तो हम और इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 4 टेबल स्पून चावल का आटा लिया, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और ये मैं हरा धनिया डाल दूंगी इसमें, ये देखिए, और ये कुछ कड़ी पत्ते हैं, इसको भी हम बारीक काट के डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे पकौड़ों में। ये देखिए बारीक बारीक काट के डाल देंगे, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। बेटर हमारा परफेक्ट हो गया है। ये देखिए इसमें हमने जो चावल का आटा और बेसन डाला है वो परफेक्ट हो गया, बस इसमें अब जरूरत नहीं कुछ डालने की, अच्छे से इसका पकौड़ा बन जाएगा हमारे। ये देखिए अब इसके अंदर मैं आधा चम्मच चाट मसाला डाल दूंगी, और थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल दूंगी। बस इसको मिक्स करके रख देते हैं 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्ची है, और हमने कुटी हुई लाल मिर्ची भी इसमें डाली है। बस इसको रख देते हैं और हम इसको अब फ्राई करते हैं। हमारा गरम हो रहा है कढ़ाई में, जब तक हम इसके साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं। देखिए मैंने 2 मुट्ठी कोथमीर ले लिया, डंखल के साथ लिया, इसको काट के इसमें डाल दिया, और 2 मैंने हरी मिर्ची ली है उसके 4 टुकड़े कर लिए, 1 लहसुन की कली लेंगे, और 1 चम्मच हम जीरा लेंगे, 1 चम्मच जीरा ले लेंगे, और इसमें करीब 3 टेबल स्पून हम दही डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार होती है। और इसमें ये देखिए मैं सेव डाल रही हूँ, लौंग की सेव डाल रही हूँ मैं, तीखी वाली। अगर आपके पास सेव ना हो तो आप वो दलिया आता ना, छिलका उड़ा हुआ दलिया आता, चने की दाल, रोस्टेड चना दाल आती है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये मैं काला नमक डाल रही हूँ टेस्ट के मुताबिक, काले नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता। अब इन 4-5 चीजों का हम महीन पेस्ट बना लेंगे, एक चटनी तैयार। ये देखिए बेटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, ये देखिए थोड़ा टाइट लग रहा है, तो इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा लूज हो जाए, ढीला हो जाए हमारा बेटर। और इस वक्त इसमें हम 2 पिंच खाने का सोडा डाल देंगे, इससे हमारे पकोड़े एकदम फूले फूले हो जाएंगे। बस अब इसको हम फ्राई करते हैं हमारा। अब हम इसमें पकोड़े डाल देंगे, देखिए जितना बड़ा साइज का हमें बनाना है, और हमने मीडियम पे रखा है, ये ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा लाइट है, और जितने हमारे कढ़ाई में आएंगे हम उतने पकोड़े डाल देंगे। और
बस साइड में चाय रख दीजिए, बारिश हो रही है, ये बारिश में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मकई भी बहुत अच्छी आती है इस मौसम में। तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाएगा, बस इसको हम इसी तरीके से होने देते हैं, फिर अलग कट के फ्राई करें। देखिए हमने इनको पलट दिया था एक मिनट के बाद, ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये मकई पकौड़ा हमारा बन के तैयार है। ये देखिए अब हम इसको निकाल लेंगे, ये देखिए इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे।